हाउ टफ इज लाइफ? अगर आपको जॉब नहीं लगता है, प्लेसमेंट नहीं मिलता है आफ्टर इंजीनियरिंग, लाइफ कैसी होती है? बच्चा मेरे को पूछता है, तो इसको मैं सेंटेंस बना लेता हूँ। इफ यू डोंट गेट प्लेस्ड, हाउ टफ इज लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग? ऐसा बना बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। मुझे पता है ये जब इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट नहीं होता है तो पेन क्या होता है। पेन तब बढ़ता है ज्यादा जब आपके दोस्तों का प्लेसमेंट होता है और आपका नहीं होता है। ये मैक्सिमम टाइम कहाँ पर होता है? जो आपका टीयर टू कॉलेज होते हैं, जहाँ पर CSE का, IT का, ECE का प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, आप अगर मान लो मेटेरियल साइंस से हैं, मेट्रोलॉजी से हैं, आपका प्लेसमेंट हुआ नहीं, ये कॉमन है थोड़ा सा। जो मेट्रोलॉजी से हैं आप गलत मत समझना, और जो कंप्यूटर साइंस से हैं वो भी टेक इट ग्रांटेड मत लेना। ऐसा कभी भी हो सकता है, किसी हो सकता है, बट ऐसे ही मेरे काफ़ी नोन के साथ हुआ है। तो उनका कुछ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं नाम नहीं बता सकता, आपके साथ शेयर नहीं कर सकता लाइफ कैसे टफ होता है, और वो बंदे लाइफ में कितना अच्छा कर लेते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और लाइफ टफ क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगा। प्लस मेरा 10 दिन का मेरा जो टफ लाइफ था, 10 डेज का ओनली, वो भी बताऊंगा आपको। तो मैं एक छोटे कॉलेज से पढ़ा हूँ, वेरी स्मॉल कॉलेज, प्लेसमेंट हुआ नहीं था। कंपनीज आए थे वो भी सारे कंसल्टेंसी थे, और इक्का दुक्का BPO थे कौन उसमें। तो फिर मैं 3 कंपनी में दिया रिजेक्टेड, और मैक्सिमम मतलब अब तक जितना जगह उसके बाद इंटरव्यू दिया, कभी मतलब मैं मतलब रिजेक्टेड कभी नहीं हुआ। ऐसे फर्स्ट दिन में हुआ था, तो मेरे को बाद में समझ में आया इसलिए रिजेक्ट हुआ था, बिकॉज वो BPO कंपनी था। उनको पता था कि मैं उनमें मतलब मैं उनके लिए नहीं हूँ, इसलिए मेरे को रिजेक्ट करा था उन्होंने। बिकॉज आई वॉज वेरी ब्राइट इन इन कॉलेज टाइम, राइट? मतलब काफ़ी अच्छा मेरा रिजल्ट था, काफ़ी थोड़ा पॉपुलर हो गया था मैं अपने कॉलेज में, राइट? थोड़ा बड़ा कॉलेज था, डेफिनेटली प्लेसमेंट नहीं था। 10 दिन कैसे बीता आपको बता रहा हूँ। मेरा पेपर खत्म हो, मान लो आज घर वालों का फोन आ गया, बेटा पेपर खत्म हो गया ना? हाँ। मेरी नौकरी, मैं इंटरव्यू, वैसे मान लो पेपर खत्म हो गया तो इंटरव्यू मुझे देना था, तो इंटरव्यू दे के आया मैं इंटरव्यू है दे के आता हूँ, फिर देखते हैं। तो उस तक मैं उस 5-7 दिन में मैंने 2-4 जगह इंटरव्यू दिया था टीचिंग जॉब के लिए, बिकॉज मुझे टीचिंग में ही इंटरेस्ट था। बिकॉज टीचिंग जॉब इसलिए मैं चूज़ करा था ताकि मेरे को टाइम मिल पाए, मैं अपने नेट वाला बिजनेस पे काम कर पाऊँ अच्छे से। बिकॉज मुझे पता लग गया था तब तक कि भाई ये नौकरी नौकरी बड़ा दिक्कत आएगा, टीचिंग जॉब ले लूँगा, पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता भी था। तो तब तक मुझे पता लग गया था कॉलेज में अपने दोस्त को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत, राइट? वो जब 10 दिन था, मेरे पास कम से कम सारे रिश्तेदार के फोन आ गए, उसके बाद घर वालों के 5 हज़ार फोन आ गए। घर वालों गलती नहीं है, आस पड़ोस वाले नोच के खाते हैं। नोच खाते हैं मतलब क्या? तेरे बेटे का बीटेक कंप्लीट होगा, क्या कर रहा है वो? फिर घर वाले क्या करेंगे, फोन लगा, हाँ बेटे क्या कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है घर बुला लो, क्यों खर्चा कर रहा है फालतू का? ऐसे भी बात होता है, ऐसे घर वाले बोले तो वापस आ जा, सारा बढ़िया बिस्तर बांध के। 10 दिन मुझे मैं थोड़ा सा मेरे को खराब लगता था, डेफिनेटली किसी को डिप्रेशन फील आएगा तो मेरे को खराब लगता। मैं छोड़ो यार, मंदिर घूम के आता हूँ आराम से, क्या दिक्कत है तो गया आराम से, पूजा पाठ कर गया, मुझे था मेरे को अच्छा लगता है, राइट? मैं गया आराम से, शांत हो जाता, फिर वापस आ जाओ कोई बात नहीं, वहाँ पर पूजा होता है, राइट? तो मज़ा आता है मेरे को, मैं जाता हूँ वापस, शांत हो जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ मैं, ठीक है? तो 10वें दिन था, तो मेरे को भी उस टाइम बहुत डिप्रेशन फील हो गया। मैंने उनको उनके कि बेटा अगर नहीं हो रहा है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है? और उस टाइम मेरे घर में सही में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, पैसे नहीं थे, तो मेरे पास उस टाइम 10 हज़ार के आसपास अकाउंट में था। और वही पापा बोले कि हमारे पास वही पैसा है और है नहीं, जो करना है कर ले तू, अब 10 हज़ार हमारे पास है, घर भी आओगे तो खर्चा तो होंगे 1,000 रुपया यार, अगर स्लीपर में भी आता हूँ, AC में आता नहीं था, इतने भाई हमारे पैसे नहीं थे हमारे पास, ठीक है? तो 10वें दिन मेरे पास ऑफर, 9वें दिन मेरे पास एक ऑफर लेटर आ गया। सैलरी उस टाइम उसमें इतना लगभग 12-13 हज़ार मेरे को सैलरी दे रहे थे। एक छोटा सा कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था, वहाँ पर मैं इंटरव्यू दे के आया था, वहाँ पर मेरा हो गया था। तो मैं घर वालों को बोला 12-13 हज़ार मिल रहा है सैलरी, तो फिर क्या हुआ, मेरे जो सैलरी मिल मतलब मेरे को बोला, तो क्या हुआ, अब जितने ही बंदों ने मेरे को फोन करे थे रिश्तेदार, नहीं उनको पता लग गया नौकरी लग गया इसका, तो उन्होंने क्या करा, बंद कर दिया, उतने फ्रीक्वेंसी में फोन नहीं आया किसी का फोन। हाँ चलो अच्छा बात है, नौकरी लग गया, नौकरी लेना बहुत जरूरी है, पता नहीं फिर ना उनका टोन चेंज हो जाता है। तब मजा आया जब मतलब मैं जब एक यूनिवर्सिटी में दिया था इंटरव्यू, 2 यूनिवर्सिटी में दिया था, एक में बाद में मुझे आया था कि भी आप आ सकते हैं दोबारा के लिए, लेकिन तब तक मैं ज्वाइन किया था दूसरे जहाँ पर मेरा हो गया था, वहाँ पर इंटरव्यू दे के आया था। तो मैं कॉलेज भी गया था, जब कॉलेज में बैठा था तब मैं ऐसे लैपटॉप में अपने मेल खोल के खोला हुआ था, तो मैंने देखा कटाक से एक मेल आया मेरे पास, उसमें कंग्रेचुलेशन लिखा था।
मैं कभी कभी क्या होता है ना, कंग्रेचुलेशन कुछ और भी आए थे, कंग्रेचुलेशन आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने खोला, मैं देखा नहीं भाई ये तो कोई प्रोफेशनल ईमेल लगता है। मैंने पढ़ा, फिर मैं तो बहुत खुश हो गया। मुझे रो भाई घर वालों को फ़ोन लगाया, मुझे मेरा नौकरी लग गया यूनिवर्सिटी में। मैं अब उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा और वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा। तो वहाँ पर मेरा सैलरी था लगभग 17,000 पर मंथ। तो उस टाइम 17,000 पर मंथ 2012 में नॉट बैड। अच्छा, अब मतलब अगर कंपेरिजन करोगे अब तो लगभग लगा लो 30,000 पर मंथ आफ्टर बीटेक, और सिंपल कॉलेज से, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिल रहा, अपॉर्चुनिटी मिला, दैट इज़ रियली गुड, राइट। तो ये जो 10 दिन था मेरे लिए बहुत डिप्रेशन फीलिंग वाला दिन था, लेकिन इससे मुझे क्या सीख मिला कि मैं देखा कि देखो जब आपका टफ टाइम चलता है ना, तो आप एक चीज़ सीखते हो कि आप अपने आप को मैनेज करके रखते हो, फिर अगले बार जब कोई टफ टाइम आएगा, बिकॉज लाइफ में टफ टाइम आना है, हर तरह का टफ टाइम आ सकता है, किसी तरह का, हेल्थ कंडीशन खराब हो गया, घर वालों का प्रॉब्लम चल रहा है, आसपास प्रॉब्लम चल रहा है, कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है, तनख्वाह नहीं आ रहा है, कुछ भी टफ प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो आप क्या कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे। दोस्त एक बात याद रखना, इंसान की कैपेबिलिटी तब पता लगता है जब क्या होता है, उसका जो आसपास जो एनवायरमेंट होता है उसके अपोजिट होता है, तब वो बंदा कैसे एक्शन लेता है उससे पता लगता है वो बंदे में कितना दम है। ये इस बात को याद। तो लाइफ टफ कैसे होता है थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको थोड़ा बताया मैंने। डिप्रेशन फील होगा, आपको रोना आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं फंस गया, अच्छे कॉलेज से पढ़े और बोलेंगे यही निकम्मा था, बाकी सारे का अच्छा हो गया, ऐसा होगा। आप टेंशन मत लेना, आप सुनना, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, दोबारा बोलता हूँ, सुनो निकालो यहाँ मत भरो, सुनो निकालो यहाँ मत भरो। देखो अगर जॉब नहीं लगा कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई नहीं करा कोई बात नहीं, अब लेकिन करना है आपको, नहीं करा कोई बात नहीं, जिस दिन आपको बड़ा सक्सेस मिल जाएगा, जो बंदे आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो बंदे आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं, जो आपके सामने ही बोल रहे हैं, वही बंदे अप्रिसिएट करेंगे, आपके सामने अच्छी बात बोलेंगे, लेकिन आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको अपने आप को सक्सेस गेन करना होगा। कैसे, दो तरीका है, नौकरी लो या बिजनेस करो, नौकरी में दो ही है, प्राइवेट जॉब लो गवर्नमेंट जॉब लो। तो वैसे की स्टोरी बताऊंगा, मजा आएगा सुन के, कैसे टफ टाइम लोग झेलते हैं और उससे आगे निकलते हैं। ये स्टोरी मैं सुनाया नहीं, ये मेरा दोस्त का है। मैं जहां पढ़ा रहा था एक जगह पर, नाम नहीं बताऊंगा कहां पर, मैं चार जगह पढ़ाया, वहां पर मेरे दोस्त मैं गए पढ़ाने के लिए, मैं सिग्नेचर करा वहां पर, पहले बायोमेट्रिक था लेकिन सिग्नेचर भी होते थे, सिग्नेचर करा, मैं क्लास लेने गया, क्लास लेके आया तो हमारे जो लाइब्रेरियन थे बोले सर आपके दोस्त का छुट्टी होगी। छुट्टी हो गई मतलब मजाक कर रहा है शायद, मेरे साथ मजाक कर रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है। बोले नहीं नहीं वो कुछ गड़बड़ हो गया, उनको निकाल दिया, रिलीव कर दिया उनको। मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त झटका लगा, ऐसे नौकरी का चला जाएगा तो हम बैचलर हैं कोई बात नहीं, अब शादी हो जाएगी, मान लो बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, दवाई पैसे चाहिए होगा, एक इनकम सोर्स होगा, दिक्कत आ जाएगा। उसी दिन मैं सबक लिया था कि भाई मेरे कम से कम 5-6 मिनिमम अच्छा खासा इनकम सोर्स मैं बनाऊंगा, और मैं काम पर लग गया था, मैं कंप्लेन नहीं करा, मैं फिर टारगेट बनाया था कि इस जगह को मैं छोड़ दूंगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और ये टारगेट लगभग मैं अचीव कर लिया था। मैं 7th या 8th मंथ्स में जिस दिन टारगेट बनाया था मैं छोड़ दिया था उस जगह को, यहाँ पर नहीं रहना भैया नहीं तो पता लगा मेरे भी को भी निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है, क्या पता, ठीक है। तो यहाँ से अब बताऊंगा उस, ये मेरा स्टोरी नहीं, अब बताऊंगा जी वो बंदे ने क्या करा, व्हाट दैट पर्सन डिड। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे वो, मैंने निकाले तो ऑब्वियसली कोई निकाल देगा ना तो झटका लगता है भाई, राइट। और ऊपर से लोकल थे, गांव वाले क्या बोलेंगे भाई इसको निकाल दिया, समझ रहे हो, गांव वाले एकदम मुंह जाता है भाई किसी को, भाई देखो किसी को सक्सेस मिलता है ना कोई आता नहीं इतना खास बोलने के लिए, लेकिन जब आप फेल होते हो अरे इसको कुछ नहीं आता ये मूर्ख है, क्रिकेट वाला देख लो ना कैच छोड़ दिया अरे इसको नहीं आता है, जैसे जो बोल रहा है वो इंटरनेशनल प्लेयर है ऐसे बोलता है बात, ठीक है, पता लगा कभी क्रिकेट नहीं खेला होगा ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात होता है आप देखे होंगे, राइट, मे बी यू हैव सीन सच टाइप ऑफ थिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। वो बंदा डिप्रेस, मैं बोला कि सर कैसे हो, नेक्स्ट डे फोन करा कि मैं तो बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, बहुत खराब फीलिंग हो रही, क्या करूँ समझ में नहीं आता है, और मेरी शादी भी होने वाली है लव मैरिज है, क्या करूँ अब उससे, घर वालों को क्या बताऊँ मैं, मतलब शादी नहीं 5-6 महीने बाद होना था उनका। तो अब क्या हुआ देखो, वो फिर एनी हाउ 10-15 दिन ऐसे बिताए, मैं डेली लगभग शाम को पढ़ा के आता था, फ़ोन करता था मैं क्या हाल चाल है कैसे हैं, तो बोले मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, तो उनका ट्राई करते करते जॉब लगा, 12 आवर्स ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी था, 8,000 इन हैंड सैलरी था, 8,000 छोटा सा कंपनी था, 8,000 सैलरी था, उनको जॉब करना था, चले गए जॉब करने के लिए,
बहुत कैपेबल बंदा है वो बंदा, बता दूं आपको, मेरे से ज़्यादा कैपेबल बंदा है, मस्त जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सन है, आई गारंटेड मेरे से काफ़ी बेटर, मच 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 बेटर, तभी आज उस पोजीशन पर है। मैं बताऊंगा क्या है, आठ महीने नौकरी करा उन्होंने, 4 महीने नौकरी करा, दबादब मेहनत करा, सब कुछ सीख लिया वहाँ पर जो कुछ होता है, जितना हो सकता है, राइट। बिकॉज मैंने पूछा रहता उनसे 7-8 दिन में एक बार फ़ोन से बात होता था, अभी बीच बीच में बात होती है। उसका क्या हुआ, और एक कंपनी उनके पास क्या हुआ, कॉल आया, अच्छा कंपनी है वो, आप लोग नाम सुने होंगे, नाम किसी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्यों बे मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे क्या मेरा नाम बोल दिया, कंपनी का नाम बता दिया, आप समझ जाओ कि अच्छा कंपनी है। वहाँ पर इंटरव्यू दिया उन्होंने, उनका सिलेक्शन हो गया, जस्ट आफ्टर 4-6 मंथ्स के, 4-6 मंथ्स होगा सिलेक्शन हो गया उनका। कितना सैलरी हुआ, 20,000, 6 महीने में 8,000 से 20,000। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ भैया, आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी में तो कुछ क्या होता पता नहीं, आईटी में 30-30 लाख, 25-25 लाख पहुंच जाते हैं लोग 2-3 साल में, ऐसे ही हुआ है। मैंने डाला भी है उन बंदों का पॉडकास्ट, और भी आएगा धीरे धीरे करके, थोड़ा सा आपको धीरे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हुआ जी, 1 साल बाद और एक कंपनी चेंज करा, उससे बेटर। अब क्या हुआ, अब उसने जो टेस्ट सीरीज मतलब जो उसने ये मतलब मैसेज आ गया था इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, राइट, उसमें दिखता है, व्हाट्सएप में जाता है। तो क्या हुआ, उसने फिर और एक कंपनी इंटरव्यू दिया, उसमें उसका सैलरी लगभग 35-40 हज़ार हो गया। आफ्टर 3 ईयर्स उनके सैलरी होते लगभग 1 लाख के आसपास मैकेनिकल वाले। अब वो रेपुटेड कंपनी में लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच उनका सैलरी होगा। वो फिलहाल मैनेजर बन चुके हैं, पहले DM थे, डिप्टी मैनेजर थे, अब मैनेजर बन चुके हैं, काफ़ी अच्छा सैलरी मिल रहा है। तो एक दिन बाद उन्होंने मेरे को बताया, राइट, ये मेरे को बात अभी याद है, इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे होगा लाइफ अगर प्लेसमेंट नहीं होगा तो मेरा, बोला कि अगर मैं उस दिन वो टफ टाइम झेला नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। मैं समझ गया था कि मैं फेलियर को कैसे फेस करूँ। तो जिस दिन आप फेलियर को फेस करना सीख जाओगे तरीके से, आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखना कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया, नौकरी लगा नहीं, नौकरी से निकाल दिया, फेल हो गया एग्जाम में, घर वालों ने डांटा, राइट, लोग मेरे को नालायक बोले, एक एक तरह का फेलियर है। अगर ये फेलियर को आप फेस करना सीख जाते हो दोस्त ना, लाइफ में कुछ भी पा लोगे। जितना बड़ा फेलियर को फेस करोगे उतना अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं। क्रिकेट में देखना, 0 रन बनाया मान लो आज, 4 दिन बाद 100 मारता है। जब 0 रन लगाते हैं सारे न्यूज वाले आए थे, नालायक है, इसको क्यों रखा है, इसको निकाल देना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। 100 लगाते ही आज जबरदस्त परफॉर्मेंस करा इस बंदर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, छक्के पे छक्के दिखाएंगे, नहीं छक्के दिखाएंगे आपको, सिंगल नहीं दिखाएंगे आपको, कहानी को समझ में आ रहा है। सो आपका लाइफ आपके हथेली पर है, कैसे आप करते हो उस हिसाब से रेखा भी चेंज होते जाएंगे आपका। नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट। Thank you very much. Like, share, comment and subscribe. God bless you all. Bye-bye.